like a bell cut. गाइस हम पहुंच चुके हैं अशोक के घर और ये देख सकते हैं आप हेलमेट वगैरह हम ले रहे हैं यहाँ से और अपना बाइक पे चलेंगे आज भी। तो बस अशोक आ ही रहा है, बस उसका वेट कर रहा हूँ मैं। अपना भाई आ गया है अशोक। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया, आप सुनाओ? बस बढ़िया। चलो चले भाई फिर। चलो भाई, चलो भाई। पहुँच चुके हैं यहाँ से, हम पेट्रोल डलवाएंगे फिर आगे जाएंगे। ये भाई लड़ाई कर रहे हैं शायद, ये बात हो गई है इनकी कुछ। ये भाई फुल बात कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है। चलो कोई नहीं। और पेट्रोल हमने डलवा लिया है, अब देखते हैं क्या होता है रास्ते में। चलेंगे, आपको बताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो गाइस ब्लॉग पूरा देखना आपको, जो भी होता है रास्ते में। क्या होता है ना, कई बार मन हो जाता है एकदम से बनाने का ब्लॉग, तो वही है अपने साथ भी। अब मैं भी यूट्यूब पर बहुत टाइम से हूँ, बट काफ़ी टाइम हो गया मुझे आगे टुल्ले। ये टुल्ले खड़े रहते हैं, हम पकड़ेंगे ये, रोक भी लेते हैं, है नहीं इस टाइम शाम को खड़े होते हैं, धूप लग रहा है। जब देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम सिग्नल है, बंदे जा भी रहे हैं लेकिन हम तो निकलने की सोच रहे हैं। बाकी अब देखते हैं रोकता है नहीं रोकता हमें। चलो नहीं रोका हमें, बच गए। हम पालिका बाज़ार पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैंने अपने बाइक लगा दिया पार्किंग में, और अब देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे, क्या नहीं मिलता है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होता है, और सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, हो सकता है तो कवर कर लेंगे अगर टाइम हमारे पास बचा तो। लोग देख लो, पालिका बाज़ार के ऊपर वाली साइड है हम, ये हमारी पार्किंग जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे घड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर। क्या रेट है भाई उनका घड़ियों का? 200 रुपये होगा भैया एकदम। आप देख सकते हैं 200 रुपये की घड़ी है, क्या सारी 200 की हैं या फिर ऊपर नीचे है? एक ही रेट में सभी है। अच्छा, एक ही रेट में सारी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ तो 200, बाकी उसके बाद 100 का तीन। तो गाइस आप देख सकते हैं 200 रुपये की घड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, जितनी मर्जी चाहे ले लो। क्वालिटीज़ भी हैं, क्वालिटी भी ठीक है। ये सारी भी 200 रुपये की हैं, और जुराबे वगैरह भी, सॉक्स वगैरह भी हैं। तो भाई यहाँ देख लो, पजामे वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, जूते वगैरह मिलते हैं, शूज़ वगैरह, पजामे, कपड़े। भाई भंडार लगा हुआ है बंदे वाला यहाँ पे, शूज़ देखते हैं भाई यहाँ पे। क्या क्या रेट अंकल? 350 इसका? 400। तो देख लो भाई 450 रुपये, 300 रुपये, ये यहाँ पे शूज़ मिल जाते हैं ठीक ठाक। बाकी ये देख लो ऊपर भाई, थोड़ा ठीक लग रहे हैं। इसके क्या रेट है भैया, इस वाले के? वाइट वाले हैं, 350 350। तो भाई देख सकते हो आप, 350 रुपये हैं यहाँ पे सारे रेट जूतों के, ठीक हैं सारे जूते, क्वालिटी ठीक है। अगर आप
कॉलेज यूज़ के लिए ऑफिस यूज़ के लिए डालना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पजामे पुजामे मिल जाते हैं भैया बेच रहे हैं, मोजे वगैरह सब बेच रहे हैं भाई। तो गाइस प्रगति हो गई है, ऊपर ज़्यादा कुछ मेरे को मिला नहीं है तो हम नीचे जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं नीचे। तो भाई नीचे जाना शुरू कर रहे हैं, नीचे देखते हैं अगर कुछ मिलता है कवर करने के लिए तो हम देखते हैं। ये अपना मेन पालिका नीचे, यहाँ आते साथ ही घड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं। ओ भाई गर्मी से रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा थोड़ा एसी चल रहा है, गर्मी से रिलैक्सेशन मिल गया यहाँ भाई। यहाँ टी शर्टें मिल रही हैं, जीन्सें मिल रही हैं, यहाँ तो भाई सारी फुल मार्केट है टी शर्ट है जीन्स की यहाँ पे। ये होगा भाई फुल चल रहा है बढ़िया तरीके से। कितने का भाई ये? 200 का है भाई ये, यहाँ से मिल जाएगा आपको पालिका में नीचे उतरते के साथ ही। यहाँ पे भाई हैं, ये देखो भाई बच्चों के लिए जो चाहिए वो। तो दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं डियोस, 250 रुपये के डियोस मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनके अंदर पानी भरा होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है लेने का, इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो भाई ये प्ले स्टेशन शॉप है, दिखा देता हूँ आपको प्ले स्टेशन क्या रेट है भैया, प्ले स्टेशन के क्या रेट है। तो गाइस हम गेम्स वाली शॉप में गए थे अंदर तो, लेकिन उन्होंने वीडियो में बनाने दी नहीं, वो कह रहे थे यार कुछ मतलब कुछ भी है अपने हिसाब से, कह रहे थे कि यार बनाते नहीं है वीडियो दिए है वो है। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम अंदर घूम रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ें जहाँ से जो मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चश्मे वगैरह मिल रहे हैं, बहुत सारे चश्मे हैं, टोपियाँ हैं, ये भाई टैटू के लिए है, यहाँ भी टैटू वैटू बनते हैं अपना। और टोपियाँ वगैरह यहाँ मिल जाती है भाई सस्ते रेटों पर। ये भाई ये देखो भाई टोपियाँ वगैरह मिल जाती है गाइस। तो ठीक है यार, अगर जिस बंदे ने अगर कॉलेज स्टूडेंट है या फिर अपना डेली के यूज़ में अगर कुछ चीज़ लेनी है यहाँ से तो ले सकता है, तो डेली यूज़ के लिए अगर जिसने लेना है। यार देखो ब्रांड तो ऑलमोस्ट बंदे डालते ही हैं, बट ब्रांड का ये रहता है कि हाँ भाई अगर आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये की जीन्स या शर्ट वगैरह ले रहे हैं कहीं से तो वो आपको एक यूज़ में होगी और आपको सिंगल पीस ही मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार भी लेके आते तो ये इनफ होता है। और यहाँ पे आप ड्यू वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा आपको, कपड़े मिल जाएंगे, प्ले स्टेशन मिल जाएंगे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, इवन मैं भी गेम्स का बहुत शौकीन हूँ, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। शूज़ वगैरह मिल जाएंगे, दुकान पे आए हैं बाहर। बोलिए सर क्या रेट है भाई इनके? 500 रुपया ट्राउज़र्स के जी, 500 देख सकते हैं ट्राउज़र तो ठीक है। और टी शर्ट शर्टों के क्या रेट है भाई? सर 350 का, 200 का दिया अलग अलग रेट है, ये 500 रुपीज़ फिक्स रेट है भाई। बाकी ये शर्टें हैं भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कभी पालिका आए तो यहाँ से ले सकते हैं इस भाई से, बार्गेनिंग कोई नहीं है, फिक्स ही रेट दोगे अगर कोई आए बंदा देख के। वो तो भाई अगर इन फ्यूचर कोई आता है देख के वीडियो तो कितना दे दोगे आप? कम से कम 450। चलो भाई, भाई ने 450 बोल दिया है। चलो भाई ठीक है, चलो भाई थैंक यू यार, अगर आप इन फ्यूचर आते हो भाई अगर यहाँ पे तो देख सकते हो आप, इस भाई से मिल लेना आप, बढ़िया रेट बता देंगे भाई। क्या कह रहे हो भाई? भाई सस्ती लगा देंगे रेट, बढ़िया लगा देंगे अगर आप आते हो कभी पालिका ऊपर। तो ये यहाँ देख सकते हैं आपको पीछे ईवल टैटूज के बिल्कुल सामने है, 300 लग जाएगा। 250। चलो ठीक है भाई,
चलो भाई, भाई ने बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे दिया। अगर कोई अगर बंदा आता है देख के तो आप देख सकते हैं, आपको 250-300 रुपए की माड़ी नहीं है। वैसे अगर जीन्स मिल जाती है यहाँ पे या ट्राउज़र मिल जाता है, बाकी कपड़ों का तो भाई पता नहीं है मुझे कि कैसे होंगे, वो तो क्वालिटी अब बाहर नहीं पता लगेंगे। चलो अब जा रहे हैं हम अपनी पार्किंग में, और भाई अब हम जा रहे हैं पार्किंग में। अपना हो गया है काम ऑलमोस्ट, जितना था अपना बना दिया है, और देख सकते हो आप मुझे पर्ची देख सकते हो बाइक की पार्किंग की, और हम जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। अपनी बाइक लेंगे, उसके बाद जाएंगे, फिर अपना घर निकलेंगे। भाई थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, कुछ खाना पीना भी है बीच में। हमारा ब्लॉग आज का कंप्लीट हो गया है, और आज हमने सही मस्ती करी है सही फुल। और अगर आपको कोई भी फ्यूचर कोई भी ब्लॉग या किससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे नीचे। तो गाइस थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब मुझे कर सकते हैं नीचे बेल बटन पर जाके, और बेल बटन पर दबा देना साथ के साथ। तो बस भाई मज़ा आया, बढ़िया लगा, सेकेंड ब्लॉग था मेरा। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोज़ में आगे भी कुछ चाहते हैं तो मैं आगे भी चीज़ें बनाऊँगा। थैंक यू।